हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस शिव एंड वेलकम टू माय अनदर क्लिक बैंक ट्रेनिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो है अपना क्लिक बैंक पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आएगा, मतलब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है क्लिक बैंक अकाउंट क्रिएट करने में, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे आप क्लिक बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ईजिली और उसे यूज़ कर सकते हैं और क्लिक बैंक से अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं चाहते चैनल किस बारे में, तो इस चैनल पे जर्नली जो मेरी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है, कैसे मैं एज अ ऑनलाइन मार्केटर क्लिक बैंक पे जो भी अफिलिएट प्लेटफॉर्म है उन पे अर्निंग करता हूँ यूजिंग माय मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। तो अगर आप ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं कैसे आप क्लिक बैंक के ऑफर प्रमोट कर सकते हैं। अगर अकाउंट आपका क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस आप फॉलो करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी प्रमोट कैसे करना है तो आप वीडियो काफ़ी है मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं क्लिक बैंक पर। तो clickbank.com एक मतलब एक अफिलिएट मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे काफ़ी कैटेगरीज में, हेल्थ, फिटनेस, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प। तो जितनी ज़्यादा सारी काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिस जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है आपको चूज़ करना है, देन आपको उसकी लिंक आपको जनरेट करनी है और जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक उस पर ड्राइव करना है। और जितना ज़्यादा ट्रैफिक आप ड्राइव करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं आपकी जो भी सेल से होने के, और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं सीधा साइनअप पे। तो साइनअप पे यहाँ पे बिल्कुल ये 100% फ्री है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चार्जेस पे करना नहीं है। तो यहाँ पे अपन पहले तो आपको जो भी फॉर्म है ये फिलअप करना होगा। तो अपन यहाँ पे अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है इंडिया। और यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम और लास्ट नाम देना है, तो फर्स्ट नाम अपन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो देना है। तो मोबाइल नंबर अपन यहाँ पे ठीक है, ये अपना मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो डालना है, तो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको जो अपना पासवर्ड है वो आपको डालना है। तो पासवर्ड पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए आपके पासवर्ड में, तो यहाँ पे डाल देते हैं अपन पासवर्ड। ठीक है, तो जितने भी जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पॉइंट्स, इनको आपको पूरा मीट करना है। ठीक है, और आपका जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आपको ये एक बार पूरा पढ़ना होगा क्या क्या है इसमें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, वो आप यहाँ पे आपको दी हुई है। यहाँ पे आपको फिर करना है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन क्लिक बैंक। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे पूछ जाएगा वांट अ हेड स्टार्ट, वी विल सेंड यू ट्रेनिंग ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें आपको ये वाला सेलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे नो आई गॉट दिस ऑन माय वे, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो जो क्लिक बैंक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको ले जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट माई प्रोफाइल पर जाना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे रिकवरी जो ईमेल है वो दे सकते हैं आप, तो मैं रिकवरी अपना ईमेल दे देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका जो प्राइमरी ईमेल है किसी वजह से काम ना करे तो इसे आप यूज़ कर सकें। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, वुड यू लाइक टू बी पेड। तो यहाँ पे पे ही नेम देना है किसके, जो आप किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं आपने, तो यहाँ पे ही का नाम देना है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेट्स ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस, सेल फिजिकल प्रोडक्ट, सेल डिजिटल प्रोडक्ट, प्रमोट एज एन अफिलिएट, प्रमोट प्रोडक्ट एज एन अफिलिएट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। और यहाँ पे आपको क्या हुआ दिया हुआ, माय कंपनी एनुअल रेवेन्यू इज़, तो आपको जो जस्ट स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको अगर यहाँ पे देखते हैं कोई, ठीक है, तो पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो प्रोफाइल जो है आपकी बिल्कुल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इस पर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली अभी क्लिकबैंक मास्टर अकाउंट है। ठीक, उस टाइम पहले जो नॉर्मल अकाउंट हुआ करते थे, लेकिन अभी क्लिकबैंक ने अपना जो यहाँ पे आपको अफिलिएट मार्केट प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग मिल जाएगी, तो अभी अपना यहाँ पे ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, आप यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, वेंडर अफिलिएट प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करना। तो आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट निकनेम है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, जो मतलब मेन है, जिससे आपकी पहचान होगी, जिससे आपके जो अफिलिएट लिंक है वो जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट निकनेम है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप ऐसा चूज़ कर सकते हैं जो मतलब कोई भी अगर आपके जो है प्रोडक्ट बाय करें या जो भी आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करें और जो आप फॉर्म फिल करें तो उसे नॉर्मल लगे कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो लिंक में आपको यहाँ पे अपना जो नाम दिखता है तो ऐसा चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा उन्हें नॉर्मल लगे जो होता है। ठीक है, ऐसा लगे कि उन्हें मतलब ये URL ही है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे डिजिटल 786 ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का निकनेम इज अवेलेबल। तो यहाँ पे आप जो भी आप चूज़ करना चाहें यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कोई चूज नहीं करना है आपको, इम्पोर्ट जो भी हो आपका। ठीक है, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका जो निकनेम आपका जो है क्रिएट हो जाएगा तो आपका अकाउंट जो है क्लिकबैंक पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड आप पूरा शो होने लगेगा। ठीक है, यू मस्ट कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ईमेल एड्रेस है वो कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, तो ये है ईमेल एड्रेस, इसमें जीमेल ओपन कर लेते हैं अपन। रेडी टू ग्रो, रेडी सेट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेल मिल चुका है, तो अपन इस पे चलते हैं। सब्सक्राइब नाउ, वांट,
तो अभी यहाँ पे अपने को सेंड करना होगा, उसके बाद होगा, अभी सेंड नहीं हुआ जो अपना कंफर्मेशन एसएमएस होता है। ठीक है, अभी आ गया आपको। अब यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। अब आपका जो अकाउंट है वापस सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है आपका ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे अपने एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे इसे, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जब पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, आपको अभी इसमें ज़ीरो अर्निंग हुई है, तो बाकी आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करना चाह रहे हैं, कितना मतलब थ्रेशोल्ड हो, कितना आप मिनिमम पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं क्लिक बैंक पे, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। $10, $25, $50, $100, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जाएंगे डायरेक्ट डिपॉजिट में, यहाँ पे आप वीकली बेसिस पे चाह रहे हैं या 15 दिन में एक बार चाह रहे हैं अपनी पेमेंट, तो वो आप यहाँ पे जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कंट्री अपन यहाँ पे चूज़ करेंगे इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की जो सिटी होगी वो आप यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, आपकी जो भी बैंक की सिटी है, जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, बैंक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HDFC बैंक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है वो डालना है, और जो बैंक का IFSC कोड है वो डालना है, और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो आप सबमिट करेंगे तो 7 डेज का टाइम लगेगा। 7 डेज में आपका जो अकाउंट है, जो भी आपकी चेंजेस किए हुए हैं अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वो अपडेट हो जाएंगे, और 7 दिन के बाद फिर आप पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं भी मतलब डायरेक्ट जो डिपॉजिट का मैंने मेथड यूज़ किया हुआ है, तो वीकली बेसिस पे डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जो है पैसे आ जाते हैं, जो भी मैं अर्निंग करता हूँ। आप चाहें तो चेक का यूज़ कर सकते हैं, वही चेक आएगा, फिर आप उसे बैंक में डालेंगे, फिर वो प्रोसेस होने जाएगा, तो टाइम लगता है। डायरेक्टली ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई मतलब स्कैम वगैरह की कोई चांसेस नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे कभी कभी हो जाता है, 1-2 दिन का चांस जो है टाइम हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ टेक्निकल इश्यू कारण, लेकिन पेमेंट ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो चूज़ कर सकते हैं, चेकिंग है या सेविंग अकाउंट है, तो जो भी चूज़ करते हैं आप, अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपका मेन है, वो आपको डालना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, देन आप किसी भी बैंक में अपनी जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं क्लिक बैंक पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट रिसीव होगी जब आप फर्स्ट जो आपकी 5 सेल्स हैं। ठीक है, जैसे आपने 1 सेल जनरेट कर दी लेकिन 2 महीने तक कोई भी सेल जनरेट नहीं करी, आपकी सेल नहीं हुई, तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फाइव जो फर्स्ट पे मतलब सेल्स होती हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं कहीं आप अपने थ्रू ही तो मतलब बाय नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को अपनी कमीशन जनरेट करने के लिए, वो चेक करते हैं कि अलग अलग लोकेशन से प्रोडक्ट बाय हो रहा है, अलग अलग पेमेंट मेथड से बाय हो रहा है, वो चेक करते हैं कहीं पेपल से हो रहा है या कोई भी पर्टिकुलर एक क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, तो चेक करते हैं वो, तो इसलिए 5 सेल्स मैंडेट होती है आपको जनरेट करनी होगी। देन उसके बाद आपका जो पेमेंट है, जैसे आपका इस वीक जो हर वेनेसडे वीक अपना एंड होता है और हर वेनेसडे को नया वीक स्टार्ट होता है इस पे, ठीक है, तो इस वीक जो पर्टिकुलर आपका इस वीक से लेके पर्टिकुलर एक वीक की जो भी अर्निंग होगी वो आपकी मतलब 2 वीक छोड़ के 3rd वीक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3rd वीक का आपको वेट करना होगा, जो भी अर्निंग इस वीक करेंगे उसके लिए, तो पेमेंट इस तरह मिलती है। ठीक है, सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। आप इजीली आप ये प्रोसेस फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी आप कैसे क्लिक बैंक के आप प्रोडक्ट प्रमोट करें, उसके लिए काफ़ी सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आप वो चेक कर सकते हैं। पेड ट्रैफिक मेथड, फ्री ट्रैफिक मेथड, जो भी आपको सीखना है सब आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी इसी तरह के और वीडियो चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।